नमस्कार दगड़ियों, मैं चौंतीप सरतुड़ी और आप देखना छन पुनः गांव की ओर। तो चला आज मैं आपको दिखोलूँ अपनी पुरानी संस्कृत की एक झलक रसोया की हाथ की दाल भात। भाई जी नमस्कार। नमस्कार, कहीं छन आप लोग? बढ़िया। अच्छा, आज आपको हाथ की दाल भात खाई और सच बोलो छो बहुत आनंद आई। ठीक, पर एक सवाल छ मन में। आज हमारे धीरे धीरे जो पड़ता था नहीं, दस बजे पहले बाउनता खलौनता पंगत बैठे थे, अब धीरे धीरे खैर कुछ लोग वापस भी आना छन, लेकिन फिर भी जन पहले वाली बात है बन रहे। अब ये तो मेन कारण से गुरु जी की शराब जी। पहले ये पड़ता बहुत चलते थे, पर जब भी ये कॉकटेल पार्टी शुरू हुई, लोगों पैसा होना शुरू होगी, लोग हलवाई का पैसा ज़्यादा भगन लगे। धीरे धीरे हमारे ये जो परंपरा चलती थे रसवाड़ों की, यह लोग ख़त्म करने लग गए। हम लोग तो खैर पहले भी टीनी से करता था, बैर खानो नहीं खान थो यहीं पर सको पैथर रण थो, लेकिन हमारे बच्चा अब ये अब जो मान सम्मान पहले मिलू चाहिए थो, अब वो मान सम्मान मिलू नहीं। ये का खातर हमारा जो ऐसा का बच्चा सन ये काम करना कहीं इच्छुक नहीं, और एक मेन कारण से शराब को प्रचलन जाता। मतलब कुल मिलाकर शराब की वजह से हमारी जो संस्कृति क्या ये पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ना चाह, और शायद ये वजह से कि आज बहुत सारा जो पंडित जी जो काम करते हैं ना, वो भी लोग अपने बच्चों का ये काम नहीं करवाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिल। वही हाल रसोई वेगन और वही हाल हमारा जो दास लोग चाहें जो ढोल दमा बस मस के बजाय बस, तो क्योंकि हर कोई चाहूँ कि रोजगार चाहें दूँ, लेकिन सातवा मान सम्मान चाहें दूँ। तो ये आपने ये बहुत बड़ी बात बोली। अच्छा, ये बताओ कि अभी फिलहाल जो आपको नौ कितने भाई जी? मेरा नाम मायराम मैठानी। मायराम मैठानी जी, आपकी उम्र कितना बोली? मेरे अभी चलनी 47 साल। अच्छा, आपका जो बच्चा है ना कोई काम से कर दान? मेरा बच्चा ये काम नहीं कर दान सामना कर, बहुत कोशिश करी बच्चों में कि ये काम करा। अब मैं पहली बेटी नहीं यू काम करी, पहली मान सम्मान था, हम डडवार बरदा खान घर को खर्चा अच्छा बोलो चल जान थो, लेकिन 10-15 साल बिटिन क्या होगी कि स्थिति यह होगी कि 6 महीना या 2 महीना में 1 महीना हूँ, एक दिन अगर यू काम होने लगी तो वह मुझे भी घर परिवार चलाना मुश्किल हो। तो बच्चों ने सोचा अगर हम यही काम पर बैठा रोला, अगर नहीं करके काम आनू तो हमारे तो भूखा मरना करना होते जा, ऐसे बड़े हम कोई दूसरा रोजगार अपन कर ला तो जय में हम अपने परिवार को भरण पोषण कर सकते। धन्यवाद आपको। अच्छा भाई जी नमस्कार, आप भी अपने आप खुद देवन? हरसराम बैठानी जी, मैं शुरू 12 साल बेटी काम कर दू। 12 साल बेटी? हाँ जी, मतलब जब आप 12 साल का था बचपन बेटी जी, फिर मैं फौज में भर्ती हुई हूँ। अच्छा, फौज में रहे ना आप जी? 3 साल मैंने सर्विस करी फौज में जी, फिर 30 साल फौज में सर्विस करने के बाद फिर घर रहते मैंने अपनी काम पकड़ी, लेकिन कुल मिलाते ये जो मेन मकसद जो अभी ये बहन बताया जी, मेन मकसद वही है कि ये मान सम्मान सब समाप्ति की ओर जाना लगे, और मेन कारण थी दारू। दारू जो दारू चल प्रथा शुरू हुई ये का वजह से पूर्व सब गड़बड़। तभी बता के करे जाओ कि प्रथा दोबारा वापस आओ और हम जो आप संस्कृति आप वापस ऑन थो, लेकिन अब जब कोई बच्चा कनक तैयार नहीं करने। एक बात और मैठान जी कि आजकल लेकिन मैं काफ़ी लोगों का मुख सुन दो कि आखिर लोगों ने ये पढ़ता रहा, लेकिन लोग वो चीज़ बहुत परेशान हो गए, और अब बहुत से लोग चीज़ हैं दाल भात खाना का इच्छुक बिछाना वो तो अच्छा लग दू। अब ये पंगा तो मेरे दर था बेटा हमारे गाँव दर्शन लातरू जी ड्राइविंग करता हूँ, वो भी मैं ठेठ टेबल बिटिन आयोग तेल फूकी गई कि मैंने जिस आज पंगा की दाल भात खान और आज मैठान जी चलाए हमारे के, तो आज उनका स्वाद लेना मन। तो चला फिर भी मैं आपको धन्यवाद कर दूँ जो आपन जो देश की सेवा करी और समाज सेवा आप करना चाहन, ये भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। आप चाहें तो कहीं नौकरी कर सकता, लेकिन आपन बोले कि मैं युका अभियान छोड़ी के हमारे पुस्तैनी काम चाह आपन नहीं छोड़ी। चला बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी बढ़ जी, आप क्या बन चल रही पढ़ता आपको? काम चलो तुम खाए दे रहो और रोजगार मिल रहे भाई। ला भाई आप दर्शन करा इसे मीठू भात बड्डू की दाल भात इसे खीर वो खा बोल खीर बोल जय बोल तकदीर है ये दिखा रहा तुम फर्स्ट क्लास ये भात ये साहब ये बड्डू दाल। मैं जी
एक बात और से मन में। अच्छा, जन की लोग बोल रहे की दाल भात में बड्डू दाल भात मतलब बहुत आसान होती, एक पिछले के कारण क्या बताऊं जाना बताओ। एक मेन कारण ये कि जो भटू की जो दाल बन दी जी तो प्रेशर में सीटी लग जाए पूरे गैस निकल जानी। अच्छा, जो टेस्ट उड़ जानो। अच्छा, और ये में पता रख दो तो ये पता का हो जाए जो भाव जो भीतरी भीतर वे मिल रहे हैं। तो बहुत सुंदर जानकारी आपन देनी। अरे एक एक पता दिया रे आप तो दगड़ो आप वीडियो दिखान शेयर करियान लाइक करियान और चैनल फॉलो नहीं करी अब तक फॉलो कर दियान ताकि जो जहाँ समय समय पर आते हैं सुंदर सी जानकारी मिलती रहो। आज यू कार्यक्रम तो हमारा ग्राम सभा नगर की लगा कुड़धारा माँ जबकि एक साप्ताहिक कार्यक्रम थो आज भी कुछ समापन होगी और हम सब उन लोगों से भोजन प्रसाद ग्रहण करिए ली और तेक बाद अब हम भी चौदह बड़ी दुकान पर खैली पी ली। चला जय हिंद जय भारत जय देव उत्तराखंड और जय हो हमारी संस्कृति। अभी बता तुम ये जाड़ दुकान पे आया। हाँ ये हाँ अरे चलो ठीक है। अभी मैं बता तुम कोई एक ध्यान बता तुम आज मैं तो ना आया ना दाल बात तुम खैली सप्ताह हुएगी तो कौन ले आ जाए तो मैं तो बता कोई भी एक बोल जा जोर से बिरान जरा। हाँ क्या तक बढ़िया लगी मैं तो याद आया बोल ना है हाँ सी बहन अच्छा वापस जान तब आ सी बोलन है होन ना बट ठीक। हाँ आज मेरी प्रसाद है चलो बहुत अच्छा था भाई वीडियो दिखा दू मेरी वीडियो दिखा दू दिखा ना बट ठीक है तब लाभ में सबूत में सकल दिख रहे नहीं के पे। है? ये सबूत में समूह में नहीं बात ठीक है ये देखा तुम लिया अब हमारे फोटो दिखाए वाह जबरदस्ती जय हो पितृ देवताओं की और जो आयोजन करी वो सबकी।